अस्सलाम वालेकुम जुलेखा के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। देखिए मैं ठिकवा बनाने जा रही हूँ। ये आटा है, इसमें मैं सोडा डालूँगी। सोडा डाल रही हूँ, आई गुड़ को पानी में मिला ली हूँ। मिला के छान के उसको कटोरा में रखी हूँ। अब थोड़ा सा सोडा डाली हूँ, उसको मिला लेना है। और उसके बाद ये गुड़ का पानी से इसको सानना है। सोडा इसलिए मिलाई हूँ कि खूब अच्छा फूली फूली होगी, एकदम मुलायम, खाने में बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी। ये बिहार का ठेकुआ नामी है, इसको हम लोग ठेकुआ बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आई बहुत अच्छी लगती है खाने में। अभी त्योहारों का दिन है, छठ का दिन है, छठ में ये ठेकुआ भी बनती है सबके घरों में। और ठेकुआ बनती है, खजूर बनती है छठ में, बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, बना के खाइए आप लोग भी। आटा में वो गुड़ वाली पानी दे दे के एकदम मुलायम सानना है आटा को। एकदम जितना सानिएगा मुलायम उतना ही अच्छा होगी। खूब अच्छा से इसको सानना है, एकदम मुलायम हो जाना चाहिए, तभी अच्छा बने। देखिए आटा सन चुकी है, एकदम मुलायम हो गई है, तैयार हो गई है। अब इसको लोई बना के अब इसको साँचा में ये थोड़ा साँचा में तेल लगा के पोस्तूदाना लगा कर इसको ठोक लेना है इस तरह से। अब मैं दो तरह का आपको बना के बताऊंगी, एक हाथ से ठोकने के लिए और एक बताती हूँ आपको। एक हाथ से ठोक के बताई हूँ, एक ये दूसरा तरीका से बेलना से इसको इस तरह से बनाना है। ऐसे भी अच्छी बनती है, देखिए इस तरह से। सारा को बना के अब मैं इसको छानूंगी तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए तेल में मैं रख रही हूँ, गरम हो गई है, अब इसको छानने के लिए रख रही हूँ। और धीमी आंच में इसको छानना है, तभी अच्छा से ये बनेगी, अंदर से एकदम पक जाएगी। धीमी आंच में, ज़्यादा आंच में तो ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी।
देखिए उलट पुलट के मैं इसको तल ली हूँ। अब मैं इसको निकालूंगी, फूल गई है अच्छा से। देखिए ये निकाली हूँ, अच्छे से हो गई है लाल। अब इसको सारा को निकाल लेना है। देखिए मैं ठेकुआ बनाई हूँ, ये छठ का फेमस है ठेकुआ। आप लोग भी इसी तरह बनाइए, आप लोगों को भी छठ मुबारक हो, बधाई हो छठ का। इसी तरह आप लोग भी बना के खाइए और हम मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।